दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस एडिक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी रहती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले टाटा नेक्सॉन की सर्विस कॉस्ट के बारे में। डीजल वेरियंट है गाइस, टॉप एंड वेरियंट है, जो एक्सजेड प्लस आता था 2018 में ये गाड़ी ली गई थी, मेरे भाई के नाम पर ये गाड़ी है। तो आज हम इस वीडियो में यही प्रॉपर बात करेंगे कि इसकी आपकी सर्विस कॉस्टिंग कितनी रहती है। तो प्रॉपरली मैं आपको एक पहले वॉक अराउंड गाड़ी का दिखा देता हूँ। तो फ्रंट की आप ऐसे लुक देख लीजिए, पूरा जो डिटेल रिव्यू है वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो बस अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा गाड़ी देखने में कैसी है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो इसके लुक्स हैं, इस टाइप के आते हैं साइड से, काफ़ी बोल्ड एंड मस्कुलर लगती है। उसके बाद ऐसे ऐसे इसके एलॉय व्हील्स रहते हैं टॉप मॉडल में। उसके बाद रियर साइड में अगर हम देखेंगे तो रियर साइड में ऐसा सा लुक आता है आपको, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, प्लस यहाँ पे एक्सजेड प्लस की बैजिंग मिल जाती है, ऊपर में वाइपर और नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में गाड़ी। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कितनी इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट रहती है और कितना आपकी जेब पे गाड़ी भारी पड़ने वाली है। तो गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी प्यारे हैं। तो फटाफट से मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो अभी के लिए इसकी 30,000 वाली सर्विस हुई थी, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब बट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका जो बिल है। तो ये इस गाड़ी का बिल है, 2020 फरवरी मैंने इसकी सर्विस कराई थी। तो अभी 2021 चल रहा है, एक साल पहले इस गाड़ी की सर्विस हुई थी। तो एक साल से लगभग आपको पता ही, बीच में लॉकडाउन लग गया था तो इतनी ज़्यादा गाड़ी रनिंग में नहीं थी, लेकिन 10,000 किलोमीटर अभी ये गाड़ी चल चुकी है। टोटल अभी 40,000 के आसपास इस गाड़ी की रनिंग हो चुकी है। तो 40,000 वाला रिव्यू भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जल्दी, की गाड़ी कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी से, 40,000 में क्या क्या इस गाड़ी मेरे को अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में सिर्फ इनवॉइस के बारे में कि गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी रहती है। सर 20 फरवरी को मैं सर्विस कराई थी, उस समय पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई कारण था, बट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं किलोमीटर 29 था, तो 925 किलोमीटर ये गाड़ी चली, और पेड सर्विस थी यहाँ पे, सर्विस रिक्वेस्ट टाइप आप देख सकते हैं पेड सर्विस थी। तो पेड सर्विस कितनी थी वो मैं आपको सारा एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ मेरी गाड़ी में डली थी। एक दो चीज़ मेरे को इसमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या डाला है, बट फिर भी मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नेक्सॉन डीजल सीरियल 90/180K किलोमीटर्स की है, मे भी लगता है कि कोई किट है जो डलती है इन किलोमीटर्स के ऊपर, तो वो चेंज हुई है। उसका जो कॉस्ट था वो था 1762 रुपये, ये रहेगा 1762 रुपये। उसके बाद जो ब्रेक फ्लूड था उसकी कॉस्टिंग रही मेरे को 112 रुपये। उसके बाद जो इंजन फ्लश था वो 789 रुपीज़ में, बताओ ये आपकी मर्जी है, आप इसको कराना चाहते हो तो करा सकते हैं, नहीं मर्जी है तो मत कराएं, वो आपके ऊपर है आप कराना चाहते हो। उसके बाद इस गाड़ी में जो 5W30 जो डलता है मैग्नेटिक प्रो, इसके अंदर जो इंजन ऑयल डला है वो देख सकते हैं 5 लीटर इस गाड़ी में डलता है, तो ये 2235 रुपये का। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो अदर गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उनमें 3.2 लीटर डलता है। जैसे अगर आप मारुति सुजुकी सियाज की बात करो या स्विफ्ट की बात करो तो इनमें 3.2 लीटर डलता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को कंपेयर नहीं करते हैं और सीधा बोल देते हैं कि भाई उसका जो कॉस्ट है वो सस्ता है और इसका महंगा है। तो ये गाइस अगर आप ओवरऑल अगर कॉस्ट निकालोगे तो इसकी, तो ये 497 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है और वो 500 समथिंग पड़ता है, तो कुल मिला के वो महंगा होता है इससे। उसके बाद वारंटी में मैंने जो डिग्गी वाले जो शॉकर्स होते हैं पीछे, जो डिग्गी को लिफ्ट अप करते हैं, वो चेंज कराए थे, वो दोनों वारंटी में चेंज हो गए थे। तो इसकी 00 रुपीज़ कॉस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो मेरे सर्विस एडवाइसर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको चेंज करा लो तो बेटर है, क्योंकि थोड़े बहुत हल्की फुल्की इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दी मेरे को। उसके बाद जो कार केयर किट है आप इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये 350 रुपये की मैंने एक किट ली थी, उसमें मेरे को पॉलिश वगैरह मिली थी और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिला था और इंजन वॉशर जो वाइपर का फ्लूड होता है वो मिला था। तो ये 350 रुपये यहाँ से आप कट कर दीजिए। उसके बाद एक गोल्ड क्लब मेंबरशिप की मैंने बुक ली थी, तो ये गोल्ड क्लब मेंबरशिप की जो बुकलेट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें क्या होता है। उसके बाद ये 250 रुपये की थी। इसका लेने का फायदा क्या है गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है, 250 रुपये की बुक होती है, तो इसको आप लेते हैं तो आपको काफ़ी जगह आपको डिस्काउंट मिल जाता है, 5% काफ़ी भी चीज़ों में, काफ़ी भी चीज़ों में 10%, तो 3-4 टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इसका बैकबोन बैलेंसर पिंच था वो चेंज हो, तो वो वारंटी में हुआ था, तो वो भी 0 रुपीज़ है। उसके बाद सर्विस आर ओ प्लस पेड, ये 383 का था। उसके बाद मेजर सर्विस एवरी, तो मेजर सर्विस जो लेबर कॉस्ट है यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि सिर्फ 1180 रुपये लेबर कॉस्ट ले रहे हैं 30,000 किलोमीटर पर इतनी बड़ी गाड़ी की, जिसका 1.5 लीटर का इंजन होता है। उसके बाद व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का कोई पैसा नहीं लिया गया मेरे से, 0 रुपये है। ये आप देख सकते हैं व्हील अलाइनमेंट और जो कि चेक किया था तो 0 रुपीज़ था उसका। तो टोटल जो बिल दोस्तों मेरा बना था वो बना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,630 रुपये के आसपास ये बिल बना था मेरा, 6,630 का मेरा बिल था। और गाइस इसमें लेबर अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो गाइस तो मेरे को सिर्फ 1407 रुपये लेबर लगी है, तो 1407 रुपये लेबर मेरे को लगी। अगर बाहर में किसी मार्केट से भी कराता हूँ ना गाइस, तो मार्केट में जो बंदा सर्विस करने वाला है वो भी कम से कम 500-700 रुपये से कम तो नहीं करता है। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो प्रोडक्ट्स है वो तो बाहर से भी करवाऊंगा तो भी जेन्युइन ही डलाऊंगा,
तो इट्स बेटर कि मैं एजेंसी में करा लूँ। मेरे सिर्फ 700 रुपये ही तो ज़्यादा जा रहे हैं दोस्तों, 700 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं, प्लस मेरे को अपने गाड़ी का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन रह रहा है, गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड भी खराब नहीं हो रहा। कल को अगर मैं गाड़ी सेल भी करता हूँ तो उसमें मेरे को फ़ायदा होने वाला है बेसिकली, तो इसलिए मैंने जो है गाड़ी की सर्विस जो है एजेंसी में ही कराई है। और क्या इससे फ़ायदा भी रहता है, गाड़ी का आपका सर्विस रिकॉर्ड बना रहता है तो लोग गाड़ी की थोड़ी वैल्यू भी बढ़ी रहती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है कि बाहर अगर आप सर्विस कराते हो तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इतनी नहीं मिलती है, लेकिन एजेंसी में कराने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर लेबर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 1400 रुपये लेबर है मेजर सर्विस की, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें चेंज होनी थी गाड़ी की। सो गाइज ये वो गोल्ड मेंबरशिप वाली बुक है जिसकी मैंने बात की थी, इसको मैंने गाइज ऐड किया था। तो लिटरली आप बिलीव करोगे कि ये 250 रुपये की बुक ऐड करने से मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिल गया। तो कुल मिला के अगर इस बिल की अगर हम बात करें तो ये 6630 रुपये का बिल बन रहा है, बट अगर हम एक्चुअल वैल्यू लगाएं तो ये 6630 का भी नहीं है, उससे भी कम पड़े मुझे सर्विस कॉस्ट। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न था एक तो इंजन फ्लश जो कि 800 रुपये का है, 790 रुपीज़ का है, अगर 790 रुपीज़ का ये है, उसके बाद 350 रुपीज़ की जो एक किट है जो कार केयर किट मैंने आपको बताई वो, ये दोनों चीज़ अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो लगभग मेरा बनता है 1130 रुपये। तो 1130 रुपये मेरे को गैस, तो ये 1130 रुपये गैस मैंने फालतू के दिए थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट नई नई गाड़ी थी उसमें तो करा लिया। तो गैस अगर इसमें से 1130 रुपये मैं माइनस भी करता हूँ 6630 में से, तो लगभग जो बनता है 5500 रुपये का बिल बनता है मेरा, क्योंकि वो चीज़ एडिशनल थी, वो आप करा भी सकते नहीं भी आपकी मर्जी थी। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 5 से 5500 रुपये कॉस्ट आती है आपकी गाड़ी में, जो अगर आप टाटा नेक्सॉन ऑन करते हैं डीजल। दोस्तों अगर आप भी टाटा नेक्सॉन ऑन करते हैं या कोई और गाड़ी ऑन करते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग कितनी रहती है। ये अभी टाटा टियागो है, इसमें बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करने गया था तो किसी कारणवश मैं घर पे आया तो वो वीडियो डिलीट हो गई जिसमें मैंने पूरा बिल एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मुझे दोबारा ये सब करना पड़ रहा है। तो गाइस आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखो और लाइक भी करो। तो ये वो था जो मैंने आपको बताया था गोल्ड क्लब मेंबरशिप का जो कार्ड था, इसमें मेरे को काफ़ी सारा डिस्काउंट मिला था। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का नंबर, और ये तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होता है रिपेयर एंड अदर रिप्लेसमेंट्स, यहाँ से अगर आप कराते हैं इस गाड़ी में तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले पेज पे आपको मिलता है 5% का डिस्काउंट स्पेयर पार्ट्स के ऊपर ड्यूरिंग रिपेयर, अगर आप गाड़ी रिपेयर कराते हो और कोई भी अगर आपका स्पेयर पार्ट चेंज होता है तो उसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 रुपये का आपने कोई पार्ट चेंज कराया उसमें 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ों पर डिस्काउंट है, जैसे कि आप इसको 4 बार आप इसको क्लेम कर सकते हैं 4 विजिट्स के लिए। उसके बाद लेबर जो चार्जेस हैं उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपके 1500 रुपये लेबर बनी है तो 150 रुपये वहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ ये आप 4 विजिट्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं, 4 बार सर्विस करेंगे तो 4 बार क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 10% का डिस्काउंट मिलता है एसी गैस रिचार्जिंग में, जो एसी की गैस अगर आप रिचार्ज कराते हो उसमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद व्हील बैलेंसिंग कराते हो वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, करेक्ट। उसके बाद वैल्यूएटेड सर्विसेज में आप देख सकते हैं अगर आप गाड़ी में कोई भी एक्सेसरीज लगवाते हो अपनी चॉइस की तो 10% का डिस्काउंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप इंटीरियर प्रोग्राम कराते हो कोई भी एनरिचमेंट तो उसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। उसके बाद गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग या एक्सटीरियर ट्रीटमेंट कोई भी कराते हो तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद हेडलैम्प रिस्टोरेशन में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्यूल एडिटिव्स अगर आप डलाते हो जो गाड़ी के परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। साउंड डेडिक ट्रीटमेंट अगर आपकी गाड़ी में कोई कराना चाह रहे हैं तो उसका भी 10% डिस्काउंट मिलता है। और बॉडी एंड पेंट का भी गाइस अलग है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद तो बॉडी पे आपको क्या है कि 3000 का डिस्काउंट मिलता है अगर आप फुल गाड़ी पेंट कराते हैं। आपकी गाड़ी पुरानी हो गया, स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कभी भी, 3000 का आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको कार पॉलिशिंग में, कंपनी से आप कार पॉलिशिंग कराते हो या कोई भी कोटिंग वगैरह कराते हो उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बुकलेट मेरे हिसाब से तो खरीदना वर्थ इट लगा मुझे, क्योंकि सिर्फ 250 रुपये की थी तो इसलिए मैंने ये परचेज़ की है। गाइस बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ गाइस मिथ्स मत फैलाओ कि टाटा की सर्विस महंगी है, यार इंडियन ब्रांड है, उसको प्रमोट करने की जगह हम उसको डिमोट कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो अभी की मानता हूँ पुरानी जो गाड़ियाँ थी टाटा की वो अच्छी नहीं होती थी, मैं खुद ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों मैं भी एक ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हूँ तो मुझे भी पता है कौन गाड़ी कैसी, हमने भी गाड़ी परचेज करने से पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, उसके बाद गाड़ी परचेज की है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।